क्या आपको भी यूरिन संबंधी कुछ समस्याएं, जैसे कि आप बार बार यूरिन करने की इच्छा रखते हैं, यूरिन करने के बाद भी आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यानी कि यू डज नॉट फील रिलैक्स आफ्टर यूरिनेशन इन योर ब्लैडर। आप जैसे ही यूरिन करने जाते हैं बहुत बर्निंग होती है, स्टिचिंग पेन होता है, और इसके साथ ही साथ आप बार बार यूरिन करने जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की यूरिन की समस्याएं अक्सर आपको देखने को मिलती है जैसे ही आपकी एज थोड़ी ढलने लगती है, मींस व्हेन यू आर गोइंग टू अबाउट 40 ईयर एज, दिस टाइप ऑफ कंप्लेन मींस दिस टाइप ऑफ यूरिनरी कंप्लेन यू इजिली फील। तो मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको आपके यूरिन के संबंधित कुछ जानकारियों को, कुछ समस्याओं को मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि आप मेरे एक एक बात को जरा ध्यान देंगे तो आपकी छोटी छोटी ये समस्या जिसको लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं, कभी सोचते हैं कि कहीं स्टोन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं शुगर तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर माइंड को स्ट्राइक करती है, तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आपके यूरिन संबंधी कुछ जनरल समस्याओं को जिसे आप अक्सर फेस करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की एक बहुत ही कॉमन दवा है जिसका नाम है इक्विजिटम। इक्विजिटम दोस्तों आपके यूरिन संबंधी कुछ समस्याएं, जैसे कि आप फ्रीक्वेंट एंड इनटॉलरेबल यूरिन, यानी कि बार बार जाते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होता, जैसे यूरिन लगी आपको तुरंत जाना है, आपको सीवियर पेन होता है, कब होता है, जैसे यूरिन आपने फिनिश किया, यूरिन के क्लोजिंग पे आपको सीवियर पेन होता, अक्सर इस तरह की चीजें आपको मिल ही जाती। कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर यूरिनेशन, यानी कि आपको यूरिन करने की इच्छा खत्म नहीं होती, यूरिन किया उसके बाद फिर आपकी इच्छा बनी हुई है, और यूरिन जो है ड्रॉप ड्रॉप होता है, कभी कभी स्केंटी होता है, उसमें जलन होती है और पेन होता है, यूरेथ्रा में भारीपन होता है, और इस तरह के तमाम परेशानियां आपको देखने को मिलती है। कभी कभी आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि यार कहीं मेरे ब्लेडर में ढीलापन तो नहीं आ गया, यानी कि सम टाइम यू फील योर ब्लेडर इज पैरालाइज, ढीला पड़ गया, अक्सर ऐसा होता कि यार क्या हो गया, ये बिल्कुल मेरा जो है ब्लेडर बिल्कुल ढीला ढीला लग रहा, मींस यू फील दैट योर ब्लेडर इज पैरालाइज। और एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी आप बड़े होकर के भी बिस्तर गीला कर देते हैं, बच्चे तो करते ही हैं, कभी कभी बड़े लोग भी बिस्तर गीला कर देते हैं, मींस एनोरेसिस, और वो भी लार्ज स्केल पे, प्रोफ्यूज यूरिन आप पास करते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग। तो इस तरह की समस्याओं के लिए आपकी इक्विजिटम बहुत ही अच्छी दवा है। अब महत्वपूर्ण चीज पे आते हैं कि हम इसके डोजिंग को देखिए, आज मैं आपको इक्विजिटम की प्रॉपर डोजिंग बताऊंगा। दोस्तों, इक्विजिटम मोस्टली जो है मदर टिंचर में यूज करिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे कि आपको इस तरह के कंप्लेंट आ रहे हैं तो आप इक्विजिटम मदर टिंचर
यानी इक्विजटम क्यू को 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लगातार 2-3 महीने तक यूज करिए। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही मार्वलस रिजल्ट मिलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार मुझे बहुत आराम हो गया। तो दोस्तों यही है होम्योपैथी, यही है इक्विजटम। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने यूरिन संबंधी अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं को आज इस दवा से दूर कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको डॉक्टर एस बी तिवारी यूट्यूब पे सर्च करना है और आइकॉन बेल दबाना है, सब्सक्राइब करना है और नित्य नई जानकारियों भरा अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।